Jungle. आज हम बनाने वाले हैं टेस्टी मलाई कोफ्ता। हेलो, आपका स्वागत है शर्मा फूड किचन में। और आज हम बनाने वाले हैं मलाई कोफ्ता, जिसके लिए हमने यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर पनीर को ले लिया है, जो हमने होममेड पनीर लिया है। और ये है 3 उबले हुए आलू। आइए मसाले देख लेते हैं। 2 बड़े टमाटर चॉप किए हुए इस तरह से, 2-3 बड़े प्याज चॉप किए हुए इस तरह से, हमने इनको इस तरह से काट लिया है। चलिए अब हम मसालों को देख लेते हैं। सबसे पहले है 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ये है हरा धनिया, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा, ये है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये है 1/2 चम्मच पनीर मसाला, ये है 1/2 चम्मच होममेड गरम मसाला, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये है 2 चम्मच धनिया पाउडर, ये है 1 छोटा बाउल दही और 1 छोटा बाउल मलाई। तो चलिए अब हम मलाई कोफ्ता बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम कोफ्ता बनाएंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले 1 बाउल में आलू को छील कर डाल देंगे। ये हमने उबले हुए आलू लिए थे। आलू को इस तरह से घस लेंगे। सारे आलूओं को इस तरह से घसते जाएंगे। अब हमारे सारे आलू घस चुके हैं, तो अब हम पनीर को भी इसी तरह से करेंगे। यहाँ पर हमने होममेड पनीर लिया था, आप चाहें तो बाहर का भी ले सकते हैं। और हमारे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ये बहुत ही जल्दी बनने वाला है इसलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। अब हमने पनीर को भी इसी तरह से कर लिया है। अब हम इसमें 4 चम्मच मैदा डालेंगे। अब हम इसमें इस तरह से चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे, ये 1 छोटा प्याज है, इसको हम इसमें डाल देंगे। हरा धनिया डालेंगे, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, होममेड 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच चाट मसाला डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह मिला लेंगे। अब हमारा बैटर तैयार है, अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। एक कढ़ाई लेंगे, जिसके अंदर हम ऑयल को गर्म करेंगे। ऑयल को डालेंगे, इस तरह से हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। इस तरह से बनाते जाएंगे, इस तरह से बनानी है। अब हमारे सारे कोफ्ते तैयार है, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। ऑयल ज्यादा तेज नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। अब हम कोफ्तों को फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर ऑयल ज्यादा तेज होगा तो ये कोफ्ते अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से पक जाएंगे, इसलिए आपको ऑयल मीडियम ही रखना है और इस तरह से हिलाना है। हमारे मलाई कोफ्ता बहुत ही जल्दी बनने वाला है, तो हमारी वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें। और बहुत ही टेस्टी बनेगा, आप हमारी रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अब इस तरह से हल्का सा एक बार चम्मच चला लें, हल्का सा ही एक बार चम्मच चलाना है। हमारे कोफ्ते हल्के हल्के फ्राई हो चुके हैं, तो इसलिए गैस की फ्लेम को थोड़ा सा फास्ट कर दें।
ऐसे ही फ्राई करते जाएंगे। 7-8 मिनट में हमारे कोफ्ते हो चुके हैं, तो हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हो गए हैं हमारे कोफ्ते, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। अब हम इनको ट्रे में निकालेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ रहा है, एकदम स्वादिष्ट लग रहे हैं देखने में ही। तो आप सोच सकते हैं कि ये खाने में कितने स्वादिष्ट बनेंगे। आप इनको अगर ऐसे भी खाएंगे तो ये ऐसे भी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। अब हम उसी ऑयल में ऑयल को कम कर पैन में प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को इसी तरह से फ्राई करेंगे। जब हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें टमाटर को डालेंगे। अभी के लिए इसको हल्का ब्राउन होने देंगे। अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है, अब हम इस स्टेज पर टमाटर को डाल देंगे जो हमने चॉप करके रखे हुए थे। अब अच्छी तरह इनको मिला लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम लो करेंगे और टमाटर को गलने देंगे। अब हमारे टमाटर थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। हम इनको चम्मच की मदद से इस तरह कर लेंगे। अब चम्मच को चला लेंगे। अब हम गैस को बंद कर इनको थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर इनका पेस्ट बनाएंगे। अब हमारे प्याज और टमाटर ठंडे हो चुके हैं, अब हम इनको मिक्सर जार में डालकर इनका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए अब हमारा पेस्ट तैयार है। अब हम एक पैन ले लेंगे। अब हम ग्रेवी बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे इसमें 1 चम्मच ऑयल। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे 1 चक्री फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 काली मिरी, 2 हरी छोटी इलायची, 3-4 लौंग। अब हम इसमें 1 चम्मच शाहजीरा डालेंगे। अब डालेंगे प्याज और टमाटर की प्यूरी। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर है। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें ये सारे मसाले डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, होममेड गरम मसाला और हरी मिर्च का पेस्ट, इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं इसके ग्रेवी का कितना बढ़िया कलर आ रहा है। 2 मिनट के लिए इसको ढककर पकने देंगे। देखिए अब 2 मिनट हो चुके हैं, देख सकते हैं आप कितना बढ़िया कलर आ रहा है। थोड़ा हम इसमें चम्मच चला देंगे। अब हम इसमें दही को डालेंगे। दही को हम लो फ्लेम पर डालेंगे ताकि दही फटे नहीं। अब हम इसमें 1/2 ग्लास पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं इसका कितना बढ़िया कलर आ रहा है और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको ढककर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। ये देखिए अब 5 मिनट हो चुके हैं, कितने बढ़िया कलर लग रहा है आप देख सकते हैं। हमारे बहुत जल्दी पक जाएगा मलाई कोफ्ता, तो आप हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब हम इसमें डालेंगे मलाई। अच्छी तरह से चम्मच की मदद से इसको मिला लेंगे। अच्छी तरह मिलाएंगे। अब हम इसमें कोरिएंडर लीव्स डालेंगे। अब हम इसको फिनिश करने के लिए इसके अंदर कसूरी मेथी को क्रश कर डाल देंगे।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, हम इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है ग्रेवी का। अब हम इसमें एक छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, होममेड गरम मसाला है। ये देखिए अब हमारी मलाई कोफ्ते की ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। अब जो हम इसको सर्व करेंगे तभी इसमें मलाई कोफ्ते को डालेंगे, ताकि आप जब इसको सर्व करें तभी इसमें कोफ्ते को डालें। सबसे पहले हम इसमें थोड़ी सी ग्रेवी डालेंगे। अब हम इसमें ही कोफ्तों को इस तरह से डाल लेंगे। अब फिर से हम इसके ऊपर अपनी ग्रेवी डाल देंगे इस तरह से। अब हम इसमें अपनी मलाई को डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए अब हमारा मलाई कोफ्ता बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।